Well, आज के संडे ब्रंच के एपिसोड में ब्रंच के साथ दंगल भी होगा बिकॉज आवर गेस्ट फॉर टुडे हैज मेड अ मार्क इन बॉलीवुड एट अ वेरी यंग एज. वैसे यू ऑल से दैट शी एंड आई हैव अ स्लाइट रिजेम्बलेंस बिकॉज ऑफ आवर कर्ली हेयर. On this episode of Sunday Brunch with Zomato, we have the extremely talented, popularly known as the Dangal girl, Sania Malhotra. Hi Sania, so nice to meet you. Nice to meet you too. पहली बार किसी और को curly वालों में देखकर बहुत अच्छा लग रहा है. मुझे भी. And the hair color looks really nice. I think I should also try red hair. And I like your hair color. It's looking really nice, matching with your outfit. सुहागर लेते. ये लो. So how have you been? जब भी कोई OTT platform शुरू करो, वहाँ पर Sania Malhotra ही दिखती है. Addicted to social media. That's why you can see me everywhere. I'm always on my Instagram, which is obviously not healthy. But so we shot Meenakshi Sundareshwar last year, just after the pandemic was like the lockdown was lifted. Right. तो एज एन एक्टर आई वॉज गोइंग क्रेजी कि भाई अब मेरे को एक्टिंग आ रही है बहुत सारी किधर जाके करूँ. बट आई एम ग्लैड लाइक वी स्टार्टेड द शूट विद मीनाक्षी सुंदरेश्वर बिकॉज इट्स अ फिल्म दैट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट. इट्स अ कैरेक्टर दैट आई एम इमोशनली अटैच टू. सो वी शॉट दिस इन अक्टूबर लास्ट ईयर एंड वी शॉट दिस फिल्म इन कराईकुड़ी विच इज़ टू आवर्स अवे फ्रॉम मदुरई. वी शॉट द फिल्म इन मदुराई टू, बैंगलोर, बॉम्बे, हर जगह शूट किया है इसको. तो सानिया आपने वहाँ शूट तो बहुत किया इन साउथ ऑफ इंडिया. डिड यू ऑल्सो गेट टू एक्सप्लोर सम प्लेसेस, फूड, एनीथिंग? आई हैड चेटिनाड फूड और वहाँ पर बहुत अच्छा चेटिनाड खाना मिलता है. सो आई डेंट हैव लाइक द नॉन वेज चिकन एंड ऑल बट आई हर्ड दैट इट्स प्रिटी गुड. बट आई हैड लाइक अ लॉट ऑफ घी रोस्ट और कॉफ़ी पी, बहुत अच्छी अच्छी फिल्टर कॉफ़ी. और बहुत बहुत मैंने मतलब दो महीने मैंने बहुत सारा डोसा खाया बहुत खाया कि मैंने बाद में आके वैन आई केम बैक टू बॉम्बे मैंने कहा मैं अब डोसे की शक्ल नहीं देखूंगी. बट इन अ वीक आई वॉज लाइक दीदी प्लीज मेरे लिए एक डोसा बना दो. कांट लिव विदाउट साउथ इंडियन फूड. आई लव इट. Oh, is it? I love it. But you're originally from north of India, हाँ. which is like a hub for all the foodies. Yes. So, अब घर कहाँ लगता है आपको? मुंबई में, दिल्ली में, या अब साउथ में इतना टाइम स्पेंड करके है, वहाँ तो नहीं आपने घर बना लिया अपना कोई? I wish. I would love to live in Karaikudi. Oh, is it? It's a beautiful place. बट दिल्ली बॉम्बे की बात हो तो दिल्ली बॉम्बे का तो एक तो अलग जंग भी है ना क्योंकि वी दिल्ली पीपल आर लाइक बॉम्बे का खाना मज़ा नहीं आ रहा. वी प्रेफर दिल्ली फूड सो मच. वो भी मुझे समझ नहीं आता बिकॉज आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ फूडी. आई कैन ईट एनी थिंग. आई लव बॉम्बे फूड टू बट आई थिंक बॉम्बे इज होम नाउ. ऑब्वियसली अभी घर जाके खाना एंड माई होम इन दिल्ली इज वेरी स्पेशल टू मी. वो तो कभी चेंज नहीं होगा. Restaurant across my college in Delhi. I have done my graduation from Gargi College. Yeah. We used to chill a lot across. पे वहाँ पर एक restaurant है जहाँ पे बहुत tasty छोले भटूरे मिलते हैं. अच्छा. और गोल गप्पे मिलते हैं. और मेरे घर के पास भी मेरी मैं परपड़गंज में रहती हूँ इन दिल्ली. इट्स इन ईस्ट दिल्ली. आई डोंट नो आर यू अवेयर? नॉट मच. हाँ. You're from Bombay? Mumbai girl. Oh, yeah. Lovely. Haan, and I've seen that cover also on your YouTube. Jai Maharashtra. Something like that, na? No, currently we are touring Maharashtra, oh, which is why we are doing a series on that. Haan, lovely. So, mere ghar ke bahar wali market mein momos milte hain, yaar. And that chutney, nothing. Like, abhi maine kahin nahi khaya hai. Bombay, Delhi, kahin pe bhi I've never eaten that good chutney. It's so spicy and nice. You said something very interesting. Aapne kaha Mumbai aur Delhi walon ke beech mein ek jaise jung to chalti hai. Haan. To koi aapko aisi weird sa difference lagta hai dono jagahon mein? Hmm. Ya strange, or when you moved here? Hmm. Chala, yaar, ye Delhi mein nahi hota jo sirf Mumbai mein hota hai. It's been 7 years now. So when I was in college, I think I felt much more safer in Bombay. And I was shocked. I remember when I first came to Bombay, I was at a cafe and it was 11 p.m. and it blew my mind and I was like, 11 baj rahe and there are people outside and I'm like sitting aram se. So that was a big shock for me, being a Delhi girl, which is a very sad thing to be honest. Matlab, abhi things are changing. My friends can like easily roam around, but wo ek safety wala, mujhe as a girl, I felt much safer in Bombay. Right. A lot of things have changed. आपको बहुत progress मिली है, बहुत सारी movies मिली है. And if you go as per news,
सुना है आपने एक नया घर लिया है इन मुंबई, इज दैट ट्रू? एंड ऋतिक रोशन इज गोइंग टू बी योर नेबर? आई डोंट नो अबाउट दैट, इज इट? वेल दैट्स व्हाट द न्यूज़ रिपोर्ट से. बिल्डिंग के लिफ्ट में खड़ी रहूंगी मैं कभी तो देख. Yeah, it is an investment. I wanted to buy a bigger space for me and my family. Okay. So yeah, I've invested in a house. जो भी मुझे सपना था while growing up, I had this big dream of becoming an actor, and this city has fulfilled that. So definitely, I love Bombay. We are so happy to know about this, Sanya. और आपके काम के बारे में तो हम बात करेंगे, पर पहले हम पेट पूजा करेंगे. What say? Yes, please. I'm famished. Looking forward to it. Let's get started. Okay. Khana. Lots of vegetarian food for you. Okay. Malai broccoli. There's malai chaap. Lots of chaap actually. Haryali chaap. Oh, I recently saw this shop and I was so impressed by the whole logo. Yes. So looks very lovely. This is a restaurant, Kadak Chaap, that does a variety of chaaps. Then we have some more vegetarian food from this restaurant called Vice. There's Birbal ka khichdi. केल पकोड़ा, वाह. Time for our fun segment on the show Sunday Brunch. We are going to play Eater Meter with you, presented by Zomato. I'm going to ask you some food related questions और आपको उसके सही जवाब देने हैं. Shall we get started? Okay. सबसे पहले तो बताना, व्हाट वुड यू चूज, मुंबई का वड़ा पाव या दिल्ली के तंदूरी मोमोज? मोमोज. बन मस्का या ब्रेड पकोड़ा? ब्रेड पकोड़ा. पाव भाजी या छोले भटूरे? छोले भटूरे. तो आप तो पूरे दिल्ली वाले हो. ओके, हॉपिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. व्हिच प्लेस इन दिल्ली हैज फूड स्टॉल्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स? आई विल गिव यू थ्री ऑप्शंस. चांदनी चौक, लाजपत नगर या दिल्ली हाट? You don't even need options. I know now you are a vegetarian, but kisi time par you used to be a non-vegetarian. So, ek question hai about non-veg food in Delhi. Rajendra Dhaba in Delhi. CP mein. Haan, aapko pata hai ye. Wow. Okay. So, Rajendra Dhaba in Delhi is famous for chicken keema, butter chicken or Mughlai chicken? Butter chicken. That's right. Okay. चांदनी चौक की पराठे वाली गली के अलावा दिल्ली में कहाँ के पराठे बहुत मशहूर हैं? मूलचंद. मूलचंद के पराठे. मूलचंद के पराठे, दैट्स राइट. नाउ यू हैव टू रेट दीज कोस्टार्स एज फूडीज आउट ऑफ 10. ओके, अभिमन्यु दसानी 10 आउट ऑफ 10. रियली? ओके. आमिर खान 8 आउट ऑफ 10. 7-8 आउट ऑफ 10. विद्या बालन, नेवर ईटन विद हर सरप्राइजिंगली. But I think she also like really loves South Indian food. She is also 10 out of 10. I've heard like they do aisa Sunday, Saturday lunches at home. Oh, really? Achha. Haan. Ayushman Khurana 10 out of 10. He's also a foodie. Nawazuddin Siddiqui Pata nahi. Pata nahi. You worked with him, I worked with him, but kabhi aise khana nahi khaya. But वो हमारे साथ शो पर आया एंड ही लव्स मटन बिरयानी. ओह अच्छा, ठीक है. ही इज अ फूडी देन. 10 आउट ऑफ 10. व्हाट अबाउट आदित्य रॉय कपूर? हाँ, 10 आउट ऑफ 10 कपूर. आई एम अज्यूमिंग पंजाबी. एंड फातिमा सना शेख? फैटी इज नॉट अ फूडी. शी इज ऑल्सो वेरी, वी बोथ आर वेरी सिमिलर. कुछ भी दे दो खा लेंगे ऐसा. एंड शी इज वेरी इम्पेशेंट ऑल्सो. कुछ बनाती है तो वहीं से उठा के खा लेती है. आई रिमेम्बर दंगल में तो वी यूज्ड टू, वी वर लिविंग टुगेदर, तो बिल्कुल भी नहीं था पेशेंस. कच्चा खाना खा जाएगी. If she's hungry, she'll eat anything. Well, so that was Eater Meter, but you spoke about how you spent time with Fatima during Dangal days. That was your first film. How did it all happen for you? It's a crazy thing. We were called to Amir Khan Productions
का ऑफिस और मुझे फ़ोन पे बोला कि डोंट टेल एनीवन दैट वी आर कॉलिंग यू. सो आई थॉट दैट दिस इज़ इट, आई एम देयर इन द फिल्म. सो आई वॉज वेटिंग डाउनस्टेयर्स बिल्डिंग के एंड आई सॉ अ गाय एंटरिंग द बिल्डिंग विद अ केक इन हिज हैंड एंड आई हैड like imagined everything in my mind. I will like upar jaungi cake hoga they will be like congratulations aapko film mil gayi hai, but nothing to my surprise I went up and they were like abhi acting audition you have cleared so you will have to do wrestling now. Kripa Shankar jinhone hame wrestling sikhai thi, he was sitting there, he said ye to bilkul lagti hai wrestler, बस रेसलिंग करवा लो. मैंने कभी तक खत्म नहीं हुआ है. वन वीक वी गेव रेसलिंग ऑडिशंस, ऑल्सो अ लॉट ऑफ लाइक जिम ट्रेनिंग वॉज हैपनिंग टू सी वेदर वील बी एबल टू डू इट और नॉट. तो तब तक तो कॉन्फिडेंस था. आई थिंक इन द लास्ट 2-3 days आई वॉज लाइक मेरे से नहीं हो रहा, माई बॉडी इज एकिंग, आई कांट डू इट. या इट वॉज वेरी टफ बट ग्लैड. व्हाट अ गुड ब्रेक यू गॉट एज योर फर्स्ट फिल्म, लाइफ चेंजिंग. एक एक्टर बनने का सपना बहुत लोगों का होता है एंड व्हेन यू केम टू मुंबई ओके और वेरी वॉज देयर एनी स्टेज इन योर you know career where you thought like छोड़ो यार अब मैं दिल्ली वापस जाती हूँ. बहुत बारी. I think 7-8 years हो गए मुझे बॉम्बे में. पर I remember जब मैं मुंबई, when I moved to Mumbai, I had like nothing, मेरे को कुछ नहीं पता था कि कहाँ जाते हैं कास्टिंग डायरेक्टर्स, कौन है, कैसे जाऊँ मैं ऑडिशंस पे, कुछ नहीं पता था. और पांच रूममेट्स के साथ रहती थी एंड वो इंडस्ट्री से नहीं, तो बड़ा टफ होता था कि सब चले गए एंड आई हैव नथिंग टू डू. फॉर मंथ्स आई डिडंट नो कि कहाँ जाऊँ, ऑडिशन किधर दूँ. और दिल्ली से आओ तो मतलब आपको ऐसा फीड भी किया जाता ना कि इट्स नॉट सेफ, डोंट गो फॉर ऐसा रैंडम ऑडिशंस. पर क्योंकि वो बहुत ही कम लोगों के पास आई यूज टू गो फॉर ऑडिशंस, तो बहुत वेट भी करना पड़ता था फॉर अ कॉल बैक और फॉर देम टू कॉल मी फॉर एन ऑडिशन. तो मतलब 2-3 महीने का ब्रेक हो गया, 1 महीने का ब्रेक हो गया, ऐसा चलता रहता था. और उसमें बहुत मतलब यू नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस क्योंकि यू सी योर रूममेट्स लाइक गोइंग आउट वर्किंग एंड योर एट होम क्लीनिंग द हाउस. पर वो एट वन पॉइंट आई वॉज लाइक इट्स इनफ, आई थिंक आई शुड गो बैक. एंड माई फादर यूज टू कीप गिविंग मी ऐसा पेप टॉक्स, उनको कॉल करके पूछती थी मैं. और मुझे कभी लगा नहीं था कि माई फादर विल बी फाइन विद दिस होल आइडिया ऑफ बिकमिंग एन एक्टर, बिकॉज ही वॉज ग्रोइंग अप ही वॉज क्वाइट स्ट्रिक्ट एंड ही कैप्ट टेलिंग मी कि अभी पढ़ाई करनी है, तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं जाओगे तो फिर क्या मज़ा कॉलेज जाने का. तो ये भी सुना मैंने. एंड व्हेन आई टोल्ड हिम कि आई वांट टू मूव टू बॉम्बे एंड ही सेड कि ठीक है चले जाओ, आई वॉज शॉक्ड बिकॉज माई आई थॉट कि मम्मा विल बी लाइक कि हाँ यू शुड गो एंड बिकम एन एक्टर. मम्मा वॉज लाइक तुम्हें पंडित जी के पास लेकर जाती हूँ क्योंकि आई थिंक तुम्हें एक्टर नहीं बनना चाहिए. और सारे पंडितों ने बोला कि तुम्हें एक्टर नहीं बनना चाहिए. तो आई टुक इट अप एज अ चैलेंज कि मैं बताती हूँ, मैं तो एक्टर बन के दिखाऊंगी. तो वो भी हो रहा था बीच बीच में. एंड माई मदर यूज टू कीप कॉलिंग मी सेइंग कि प्लीज लेट्स डू पोस्ट ग्रेजुएशन, घर पे बैठे हो कुछ कर लो कुछ कर लो. तो दैट वॉज वेरी ऐसा स्ट्रेसफुल टाइम्स बट वेंट वेल. एक साल ही हुआ देन माई फर्स्ट ऑडिशन फॉर अ फिल्म वॉज फॉर दंगल. इज देयर अ पर्टिकुलर थिंग दैट यू ऑलवेज थिंक अबाउट व्हाइल सेलेक्टिंग अ फिल्म और व्हाइल सेइंग यस? कोशिश ये रहती है कि जो मेरी वैल्यूज हैं वो रिफ्लेक्ट हों उससे, कि कोई छोटी लड़की देख रही हो मुझे ऑन स्क्रीन तो कहे कि आई वांट टू बिकम दिस कैरेक्टर, यू नो. सो नाइस. हाउ डू यू रिमेंबर द फर्स्ट टाइम अ फैन वॉक्ड अप टू यू? या जब को लगा यार मैं अब तो फेमस हो गई हूँ. क्या बहुत ही फनी स्टोरी है. दिस इज राइट आफ्टर दंगल वाज रिलीज. आई वाज गोइंग बैक टू दिल्ली. आई वाज एट द एयरपोर्ट और बहुत लोग आए फोटो खिंचवाने. वाज अ वेरी स्पेशल फीलिंग एंड दिस फैमिली केम और वो भी फोटोज खिंचवा रही थी. बहुत बड़ी फैमिली थी. तो मैं पीछे मुड़ी और मैं निकल रही थी तो बच्चे ने पूछा ये कौन है. मैं पापा वाज लाइक मुझे नहीं पता, सब फोटोज खिंचवा रहे थे. और मैंने कॉल किया मम्मी को. आई वाज सो फनी कि उनको पता नहीं था मैं कौन हूँ. पर बाकी आई थिंक जिन जिन लोगों ने पहचाना दैट वाज वेरी स्पेशल. ट्रैवल तो क्या पसंद है आपको? बहुत ही स्पेशल मेमोरी है व्हेन आई ट्रैवल टू लद्दाख. तो मनाली टू लद्दाख आई डिड ऑन अ बाइक, लाइक अ बाइक ट्रिप. यू रोड द बाइक? या विद अ फ्रेंड. ओके. सो आई न्यू हिम एंड ही ट्रैवल्स, ही लव्स टू ट्रैवल. हिज नेम इज अनुने. सो एंड दिस इज आफ्टर दंगल का शूट गॉट ओवर. आफ्टर टू इयर्स आई वॉज गेटिंग सम टाइम टू ट्रैवल. तो आई डिसाइडेड दैट आई वॉन्ट टू क्लाइंब. आई लव टू क्लाइंब ऑल्सो. सो ही पिक मी अप फ्रॉम चंडीगढ़ एयरपोर्ट एंड वी ड्रोव टू मनाली. और तब बर्फ पड़ने लग गई थी.
अक्टूबर का टाइम था एंड देन वी डिसाइडेड दैट वी विल टेक बाइक्स एंड गो. तो एक ही बाइक पे गए थे एंड वी यूज्ड टू स्विच लाइक आई लर्नड हाउ टू राइड अ बाइक देयर. देन वी डिड मनाली टू ले ऑन अ बाइक एंड ले टू पेंगोंग सो एंड दैट वाज अ स्पेशल ट्रिप. बहुत ही सुंदर. आई हैव नेवर एक्सपीरियंस something so beautiful while traveling. Yeah, and I feel like every traveler should experience this sort of a road trip. I mean, that stretch is beautiful. It is. It changes your perspective. And on a bike, it's amazing. I would love to also take a car, you know, a Himalayan rally hota hai. So that's my dream. I've done the same route. एक जीप थी हमारी 4x4. We did it with that. Wow. मुझे भी करना है 4x4 में. With my father. That's my dream. Is he a traveler? नहीं, but he loves to drive. Okay. He is a traveler. He likes to travel too. Also, I did a solo trip recently to Maldives. Wow. And I saw your video before going for that trip. Because I was just looking at kahan jana chahiye. Aur, I really wanted to do a scuba diving course. So, I thought it would be very helpful. And you have like a very nice two videos on budget travel and on luxury Maldives, travel. Budget and luxury. Which thank was very helpful. Watching. Wow, yeah. I'm so happy to know that. Yeah, which was very helpful. Okay, thank you. I did a solo travel to Maldives and I was telling you abhi. Photos. My tripod. I took my camera, I took my phone and all my friends were shocked. They didn't believe me that I'm traveling solo to Maldives. Really? They were like, it's a honeymoon destination. It's a romantic destination. Why are you going alone? And I was so happy. Yeah. It is a solo destination too. It's very nice. Are there any places that you have on your bucket list? I want to travel to Turkey. Yes. I have this weird connection to Turkey. And this is, I think, after reading this Orhan Pamuk's book called The Museum of Innocence. Yeah. I don't know if you have read that book. I have not, actually. So, it's fiction. Hai, but they have a museum on that book. Like, it's a love story and it's a beautiful book. You should read it. So, uske baad se mera dimag mein aisa ho gaya ki I want to travel to Turkey. What about adventure sports? Would you ever take up skydiving, scuba I've done diving? Skydiving. Okay. I've done skydiving and I'm also planning to go and learn how to skydive solo. Oh, wow. Not tandem. In Dubai. In Dubai, okay. So, over the palm. It's beautiful. It's beautiful, yeah. And what a lovely experience. And wahin jaake I was thinking, it's a 10-day course. Yes. Itna bada bhi nahi hai. So, if you want to learn how to do solo skydiving and not in tandem. So, wo kiya in Dubai. I have done bungee jumping in Rishikesh, which is apparently India's highest. Yeah. And then I've also done scuba diving. I love aisa adventurous aisa sports and I don't tell my parents. In fact, I didn't tell my parents when I was doing that Manali to Leh wala on a bike ride. That bike trip. I didn't tell them. Because mujhe pata tha wo kabhi nahi manenge. Main kab wapas aake batati hu. Were you ever a budget traveler or do you always like luxury when you're traveling? I actually am not still used to luxury travel. I prefer budget travels more than luxury travels kyunki abhi tak dimag se gaya nahi hai ki ye afford kar sakte hai ya nahi kar sakte, wo chalta rehta hai dimag mein. Fir mujhe papa ko call karna padta hai, papa main Maldives chale jaun itna paise lagenge. Papa kehte hain haan ye aa sakta hai budget mein beta, isse zyada kuch mat karna. To I still like I don't like I earn money but mere ko pata nahi hai ki how to handle it. तो पापा हेल्प्स मी आउट. तो वो चीज़ अभी भी चलती रहती है बट आई प्रेफर लाइक वो बजट ट्रैवल के मज़े ही अलग होते हैं आज एंड व्हेन यू हैव लाइक ओनली लाइक सम अमाउंट ऑफ मनी इन योर हैंड और हॉस्टल्स में रह रहे हो. आई रिमेंबर आई यूज़ टू गो टू धर्मशाला तो बहुत ही छोटे छोटे हॉस्टल्स में वी यूज़ टू स्टे एंड आई थिंक पीपल शुड फॉलो यू एंड सी योर वीडियोज़. देर सो गुड फॉर बजट ट्रैवल्स. यू हैव सम सच ग्रेट टिप्स. And I'm also going to see Abhi. I'm going to travel solo, so I'm know where to go and search and get all my information. Amazing. From. Thank you. I don't know. You should tell me. हाँ. हमारे comments में बहुत आता है that I look like you. Yeah, we do look. For me, it's a compliment. I don't know about you. No, but we do look similar. अभी बहुत confusion होने वाला है, तो मेरे को लगता है bubble में लिखना पड़ेगा सर के ऊपर सान्या. कहाँ मैं? रवीना है करिश्मा है? करिश्मा है रवीना है? बहुत अंदाज अपना अपना होने वाला है audience के साथ. We wish you all the best for your films, for your travels, and hopefully someday we'll travel together. Yes, hope so too. That would be lovely. क्योंकि मैं तो कर्ली टेल्स में आ सकती हूँ. ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेरे को मिल चुका है एक सर्टिफिकेट.